इस बार जेईई मेन 2022 की परीक्षा दो चरणों में होगी। आइए आगे के वीडियो में आपको बताते हैं परीक्षा से जुड़ी सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने मंगलवार 1 मार्च 2022 को एक बड़ी घोषणा करते हुए साफ कर दिया है कि इस साल इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिलों के लिए होने वाली जेईई मेन 2022 की परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी। यह पहल कैंडिडेट्स को परीक्षा में अपने स्कोर में सुधार करने के लिए दो अवसर देगी, यानी यदि वे पहली कोशिश में अपना बेस्ट देने से चूक जाते हैं तो दूसरे प्रयास में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही NTA ने कैंडिडेट्स को एक बड़ा झटका भी दिया है। NTA ने कहा है कि यदि कोई नियंत्रण से हटके कारणों जैसे किसी उम्मीदवार की बोर्ड परीक्षा के कारण JEE मेंस एंट्रेंस एग्जाम छूट गया है तो उसे पूरे एक साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट परीक्षा देने से चूक जाता है तो उसे इस साल दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह जरूरी नहीं है कि उम्मीदवार दोनों चरण की परीक्षा में भाग ले, वे किसी एक चरण की परीक्षा में भी भाग ले सकते हैं। यदि वे दोनों चरण में भाग लेते हैं तो इससे उन्हें अपना स्कोर इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। कैंडिडेट्स अपने बोर्ड एग्जामिनेशन प्रोग्राम के अनुसार JEE मेन की परीक्षा की किसी एक चरण में भी भाग ले सकते हैं। JEE मेन में दो पेपर शामिल होंगे, JEE मेन का पेपर फर्स्ट, NIT, IIIT, CFTI और केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित या मान्य प्राप्त अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम BE BTEC में एंट्री के लिए आयोजित किया जाएगा, जबकि पेपर टू देश भर के आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में BArch और बी प्लानिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित किया जाएगा। इनके स्कोर के आधार पर JEE एडवांस परीक्षा के माध्यम IIT इंस्टीट्यूट्स में दाखिले मिलेंगे। इसके साथ ही NTA ने यह भी बताया है कि 2021 के बाद से ही AKTU यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश और मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर के इंजीनियरिंग कोर्सेज में भी JEE मेन परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर दाखिले किए जाएंगे। NTA के JEE मेन 2022 की परीक्षा को लेकर किए गए इस फैसले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन को।